नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज के जोड़े में मैं आपको जो इंश्योरेंस का जो अप्रूवल है वो आपको कैसे लेना है। आप CSC के माध्यम से जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर जितने भी गाड़ियों के प्रकार उन सबका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और इंश्योरेंस का जो एजेंट है आप बन सकते हैं। तो एजेंट को बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, आप एग्ज़ाम तो दे देते हो लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जो अप्रूवल है आपका वो नहीं होता है, तो किस कारण से नहीं होता है वो क्या होता है, आपको जो है वो एक मेल करना पड़ता है। आप मेल नहीं करते हो इसलिए जो है आपका इंश्योरेंस का वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उसके वजह से आपका अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको कैसे आपको मेल करना है और किन को मेल करना है उसके रिलेटेड आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपको जरूर NDS के थ्रू आपको मदद करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना, डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको लॉगिन कर लेना है। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना, अपना इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको पास कर लेना है। अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आपको अपने पास रख लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है अभी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं मेरा दिखा दे तो आपको यहाँ पर मैं जो है उसका मॉड्यूल सब कंप्लीट किया, एग्ज़ाम भी कंप्लीट किया और रिजल्ट जो है पास आ गया और यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट भी तुरंत जनरेट हो गया है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट में या सर्टिफिकेट्स में आपको चले जाना है। जैसे चले जाओगे यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपने जीमेल आईडी में आपको चले जाना है। जो ऑफिस जो आपने CSC को अप्लाई करते समय जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया था वही जीमेल आईडी को आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेने हैं। लॉगिन करने में आपको यहाँ पर कॉम्पस पर क्लिक कर लेने हैं। कॉम्पस क्लिक करने में आपको जो एक ईमेल बनाना है। तो सबसे पहले आपको किसको ईमेल करोगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको आपको यहाँ पर insurance@csc.gov.in आपको ये डाल देने हैं। और आपको CC में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर रहेंगे उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सचिन भोयर सर, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहेंगे उनको आपको मेल करना है। यहाँ पर मेरे 3 मैनेजर हैं तो मैं तीनों को यहाँ पर टैग कर देता हूँ। बाद में समझे यहाँ पर आपको जो भी मतलब 3 हो एक हो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहेंगे उनको आपको यहाँ पर मेल में जो है उनको भी आपको मेल कर देना है। CC में आपको कंपलसरी जो इंश्योरेंस वाले को पहले आपको मेल करना है, कारण उसके साथ ही आपके जो DM सर हैं उनको भी आपको मेल करना है। बाद में आपको सब्जेक्ट में लिख देना है फॉर इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेशन, इतना आपको लिख देना है। बाद में आपको यहाँ पर क्या कह लें, डियर सर इतना लिख दिया। फिर बाद में आपको यहाँ पर नीचे जो है आप जो कंप्लीट किया है एग्जामिनेशन कब कंप्लीट किया है, आपका CSC ID क्या है, आपका जीमेल ID क्या है, वो सारे डिटेल जो आपको यहाँ पर भर देने। यहाँ पर मैंने कभी कंप्लीट किया एग्जामिनेशन का डेट, ये सारे डिटेल जो है मैंने यहाँ पर अभी फिलअप कर दिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एड्रेस पूरे के पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर लेने। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर जो आपको सर्टिफिकेट में ऊपर दिखाई देगा उसको आपको कॉपी कर लेने। यहाँ पर फिर वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देने। बाद में आपको क्या कर लेना, अपना जो सर्टिफिकेट आपने इंश्योरेंस में पाया गया था उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अटैचमेंट को अपलोड कर देने, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए। अपलोड करने के बाद सारे डिटेल आप भरने के बाद उनको मेल पर मेल सेंड कर देना। जैसे आप सेंड करोगे वो रिसीव कर देंगे, रिसीव होने के बाद कुछ दिन के बाद 5-6 या 7 दिन इतने मतलब 7-8 दिन के अंदर आपका जो है इंश्योरेंस का सर्विस जो है एक्टिवेट हो जाएगा। 7-8 दिन के बाद भी एक्टिवेट नहीं होता है तो आप अपने DM सर को जो है आप मेल या व्हाट्सअप करके फिर एक बार रिमाइंड कर सकते हो। ये जो प्रोसेस करोगे तो आपका 100% जो है इंश्योरेंस का एक्टिवेट हो जाएगा। बस इस सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करके अपना जो है इंश्योरेंस का जो है एजेंट आईडी आप ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। और अगर आप मेरी हेल्प आपको लग रही है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट में आप बता देना, मैं आपको NDS के थ्रू मदद कर दूँगा।
और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको मतलब CSC के रिलेटेड वीडियोस और जो भी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।